अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरा नाम उमर है और आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है लेटर ऑफ मोटिवेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म LOM है, जो बेसिकली एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, चाहे वो जर्मनी में हो या कहीं भी हो। तो मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया फेसबुक पे, मेरे दोस्तों ने, और उन लोगों ने मुझे ये बोला कि एक लेटर ऑफ मोटिवेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना स्टार्ट करें तो ये पॉइंट्स आप लाजमी कंसिडर करें। तो पहला पॉइंट जो है वो आपका है बैकग्राउंड। आपका बैकग्राउंड से मेरा मुराद ये है कि आपकी डिग्री, जो प्रीवियस डिग्री थी, वो किस में, लाइक वो बैचलर्स हैं या मास्टर्स हैं, तो उसका मेजर्स क्या हैं। ठीक है, आपने वो स्टार्टिंग में ये लिखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अभी जर्मनी में अप्लाई करें और आपने प्रीवियस आपकी स्टडीज़ क्या थी, बैचलर्स था तो वो किस मेजर्स क्या थे उसके, या मास्टर्स था तो उसका मेजर्स क्या थे। उसके बाद आपने बताना है आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, कोई आपने सर्टिफिकेट लिया है या फिर आपकी कोई भी इस तरह की अचीवमेंट्स हैं, तो वो सारी आपने मेंशन करनी है उसमें। सही है, वो IELTS का स्कोर हो या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपने अचीवमेंट्स हों, वो आपने मेंशन करनी है। तीसरा आपने मेंशन करना है अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है, आपने इंटर्नशिप, जैसे आपने कोई अपने बैचलर्स की जो फील्ड है या मास्टर्स की फील्ड है, अगर उसी में आपने कोई इंटर्नशिप करी है तो वो स्पेसिफिकली आप मेंशन करें, आप ड्यूरेशन मेंशन करें, आप उसने उसमें आपने इंटर्नशिप में क्या सीखा, ये चीज़ें मेंशन करें। चौथी जो है वो आपने बतानी है कि आपको सबसे ज़्यादा इस, जो आप अपनी मास्टर्स या बैचलर्स के लिए जो जिस यूनिवर्सिटी में जर्मनी अप्लाई कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट की है या ट्रिगर्ड की है आपको कोर्सेज या डिग्री, वो किस वजह से की है। ठीक है, वो आप ऐसे कर सकते हैं, आप कोर्सेज की आप आउटलाइन में जाएंगे, आप चेक करेंगे आपके बैचलर्स के साथ या मास्टर्स के साथ कौन सी डिग्री और कौन से कोर्सेज मैच कर रहे हैं, तो फिर उसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफली उनको बताएंगे कि मुझे इस वजह से मैं ये परसू करना चाह रहा हूँ और ये मुझे इस वजह से मैं अट्रैक्ट हुआ इस डिग्री की तरफ। फिर आप बताएंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस डिग्री के साथ। ठीक है, मतलब आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो आप परसू करें तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस डिग्री से, आप क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने लाजमी बताना है इसमें। फिर आपने बताना है कि आपने यूरोप के बारे में बताना है कि यूरोप से या जर्मनी से, बेसिकली जर्मनी से अगर आप एक डिग्री ले रहे हैं तो ये कितना मीन करती है चीज़, क्योंकि जर्मनी जो है वो एक हाईएस्ट इकॉनमी है उसकी। ठीक है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, तो ये चीज़ें कुछ है आप वो मेंशन करेंगे उसमें, और आप थोड़ा बताएंगे कि आप कितना ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है, एक इंटरनेशनली डिग्री लेना। फिर आप बताएंगे कि आपकी कोई स्किल्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सॉफ्टवेयर स्किल है, वो अडोब हो सकता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हो सकता है, कोई भी इस तरह का स्किल होता है, आप वो मेंशन करें। ठीक है, फिर इन दी एंड आप कंक्लूड करेंगे। ठीक है, कंक्लूजन में जो मैंने बेसिकली लिखा था वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि आई बिलीव बींग अ स्टूडेंट इन योर यूनिवर्सिटी वुड नॉट ओनली एम्पावर माई करियर डेवलपमेंट, ठीक है, बट वुड गिव मी द फ्रेमवर्क टू डिस्प्ले माई पोटेंशियल। ठीक है, ये एक आप एक लाइन है या एक सेंटेंसेस हैं कुछ, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट और भी चीज़ें लिख सकते हैं कि वाई आर यू अप्लाइंग एंड वट एग्जैक्टली यू फील अबाउट द यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो वो एक आपको एक एज दे देगा। ठीक है, इन दी एंड आप यूनिवर्सिटी की तारीफ़ करेंगे कि फैकल्टी बहुत अच्छी है और मैं और सीखना चाह रहा हूँ अंडर द शेडो ऑफ प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस टीचर्स या फैकल्टी। अच्छा, खैर, ये कुछ पॉइंट्स थे, होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ इट्स इंफॉर्मेटिव तो आप प्लीज़ काइंडली इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे दोबारा एक मैं अमेजिंग टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।